अक्षय तृतीया के अवसर पर पुणे के दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में आम की सुंदर और आकर्षक रचना बनाकर बप्पा के चरणों में चढ़ाए गए। हर साल अक्षय तृतीया के अवसर पर पुणे के एक आम व्यापारी देसाई भाई आमवाले की ओर से दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में बप्पा को आम का प्रसाद दिखाया जाता है। इन आमों को रोगियों, अनाथालय, वृद्धाश्रम, अपंगों और उदय ससून के भक्तों को प्रसाद के रूप में कल वितरित किया जाएगा। आम की सजावट देखने के लिए आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस पल को अपने मोबाइल में सहेजने के लिए कई लोगों ने मोबाइल का इस्तेमाल किया। मैंगो फेस्टिवल के मौके पर सुबह 4 से 6 बजे तक मंदिर में प्रसिद्ध गायिका आशाताई खाडिलकर का स्वराभिषेक किया गया। इसके बाद सुबह 8 बजे से 12 बजे तक गणेश यज्ञ, दोपहर 12:36 पर भगवान गणेश और देवी शारदा का शारदेश मंगलम विवाह समारोह और रात 9 बजे अखिल भारतीय महिला मंडल की ओर से भजन का आयोजन किया गया है। जय गणेश। आज अक्षय तृतीया है। श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणेश जी के मंदिर में आज आम महोत्सव है। गणेश जी को 11,000 आमों का महाभोग हाँ लगाया जा चुका है। अभी स्वराभिषेक प्रख्यात गायिका आशाताई खाडिलकर इनका गणेश जी के चरणों में समर्पित होगा और यह आज एक अद्भुत सोहला यह है। आज गणेश जी का विवाह है देवी शारदा के साथ। दोपहर 12 बजे ये विवाह संपन्न होने वाला है और गणेश जी के मंदिर को पूरा फूलों से सजाया है। सभी गणेश भक्तों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस माध्यम से आप गणेश जी के महादर्शन का लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय गणेश। नेहा पठारे मेरा नाम है। आज अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर बप्पा को आम की आरास की गई है। आज अक्षय तृतीया के दिन स्वराभिषेक भी चल रहा है। आज के दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है बप्पा के आशीर्वाद के साथ। मीटिंग बुलाई क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो। बार बार उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।